नमस्कार, आज हम बनाएंगे पपीते की सब्जी। देखिए, हमने पपीते को छील के धो के ले लिया है, अच्छे से इसको कट करेंगे। ये हमारा टमाटर का पेस्ट है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हरी मिर्ची का पेस्ट है। मैं मसाला दिखा देती हूँ आपको। ये प्याज है एक बड़ा साइज का, जीरा है, हल्दी है एक चम्मच, मिक्स मसाला दो चम्मच, ये चिकन मसाला एक चम्मच। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, तब तक मसाला भुनेंगे हम। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम तेल डालेंगे। तेल को भी अच्छे से हम गर्म होने देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम पपीते को काट लेते हैं। हमें ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काटना है, आपको जैसा पसंद हो आप काट सकते हैं। हमने सारे पपीते को कट कर लिया है, हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। हम पपीते को पहले फ्राई करेंगे। फिर हम दो तीन मिनट लाल होने तक इसे लाल करेंगे, अच्छे से हम फ्राई करेंगे। ऐसे चलाते हुए धीरे धीरे हम फ्राई करेंगे। देखिए, हमारे पपीते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, तेल को साइड करते जाएंगे। हमने सारे पपीते निकाल लिए हैं, अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं वापस। हमने हमारा तेल इसमें है, अब हम दोबारा तेल नहीं डालेंगे। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, प्याज डालेंगे, इसे भी हम हल्का भूनेंगे, हमें ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। बस लाल होने तक हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस देखिए हमारा प्याज अच्छे से लाल हो चुका है। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे दो चम्मच। एक मिनट इसे फ्राई करेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, हम हरा मिर्च ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हमारे घर लाल मिर्च किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए हम लाल मिर्च यूज कर रहे हैं। अगर आपको पसंद नहीं तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। इसे भी हम भूलेंगे। अब हम अपने सारे मसाले डालेंगे। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे से। ऐसे ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला भूनने के लिए। एक बार हम मसाला चेक कर लेते हैं।
देखिए हमारे मसाले का कलर कितना प्यारा आया है। लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है भुनना, इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। इसे भी हम भुनेंगे मसाले के साथ साथ। हम वापिस इसे ढक देंगे। हम फिर से मसाला को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, मसाले से तेल निकल गया है, कढ़ाई भी छोड़ दिया है मसाला। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डाल के भी हम एक मिनट भूनेंगे। इसे हम वहाँ पर ढक देंगे। गरम मसाला हो चुका है। हम हल्का हुआ पपीता डालेंगे इसमें। ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई कीजिए। ऐसे बनाएंगे आप तो जिसे नहीं पसंद है वो भी मांग मांग के खाएगा। पपीता हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम इसे एक मिनट ऐसे मसाला मिलाते हुए भूनेंगे, ढकेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए। अब हम थोड़ा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। आप चाहे तो ऐसे सूखा भी बना सकते हैं। आप चावल के साथ या रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, पूरी चीज के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े ग्रेवी में बनाऊंगी। ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े ग्रेवी में बनाऊंगी। थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम। अब हम दम देंगे, ढक के हम 5-6 मिनट पकाएंगे, क्योंकि हमारा पपीता पहले से फ्राई है, आधा पक चुका था। 5 सब्जी को देख लेते हैं। वाओ, देख रहे सब्जी कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। अब इसे देख लेते हैं कि हमारा ये जो पपीता है पका है कि नहीं। देखिए हमारा पपीता भी पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए हमारे पपीते की सब्जी कितना टेस्टी तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।